बातचीत कर लेते हैं मेडिकल सिस्टम या प्रोसेस के बारे में, तो आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं भागना। और हाँ यार, एक बहुत ही जरूरी चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, और हम देसी वाला काम करेंगे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में मैंने देखा था। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। यार, लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर एक पर्सन ने बहुत ही बढ़िया सा कॉमेंट किया था। उन्होंने ये पूछा था कि भी जो भी आपको प्रॉब्लम्स वगैरह हुई थी, जैसे कि आपको बैक का इशू हो गया, आप आइस के ऊपर स्लिप हो गए थे, सोर थ्रोट हो गया था, फ्लू हो गया था, फीवर हो गया था, और साथ के साथ आपकी यहाँ पे जॉ में स्वेलिंग आ गई थी, वो एक्चुअल में डेंटल इशू था, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आई थी, तो इनसे रिलेटेड आपने डॉक्टर्स वगैरह कैसे ढूंढे कनाडा के अंदर, आपका कहाँ पे खर्चा हुआ, कहाँ पे खर्चा नहीं हुआ, तो क्या हिसाब किताब था, क्या सिस्टम था, पूरा पूरा प्रोसेस वगैरह क्या था, वो हमारे साथ शेयर करो। तो मुझे लगा कि हाँ यार, डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर एज अ परमानेंट रेजिडेंट, मतलब एज ए न्यू इमिग्रेंट अगर आप कनाडा आते हो, तो आपको इन चीज़ों का बेसिक आइडिया होगा, आपको पता रहेगा कि हाँ भी कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और साथ के साथ मेरी अपॉइंटमेंट भी है डॉक्टर के साथ, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, तो वहाँ भी जाना है और एक दो चीज़ें भी खरीदने जाना है। तो ये सारे काम करते हैं, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। और यार, आज जो मौसम है वो बहुत ही बढ़िया हो रखा है, जो टेम्परेचर है वो है 2 degrees Celsius एंड फील्स लाइक 1 degree Celsius। तो एक नॉर्मल जैकेट डालो, नीचे टी शर्ट डालो, बढ़िया काम चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है बाहर निकलने के। अब यार, आगे जाने से पहले एक बार बातचीत कर लेते हैं मेडिकल सिस्टम या प्रोसेस के बारे में, लेकिन वो बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। हो सकता है कि किसी और को ज़्यादा नॉलेज हो या फिर एक बेटर अल्टरनेटिव के बारे में पता हो, ठीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो भी मेरे साथ स्टूडेंट टाइम पे हुआ था या फिर अभी जो हुआ है, तो उसके लिए मैंने क्या क्या सोल्यूशन वगैरह ढूंढे, दवाइयाँ, डॉक्टर का क्या हिसाब किताब था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में। तो जब मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था, तो मेरे को एक दो प्रॉब्लम्स वगैरह हुई थी। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हैं, तो ऑब्वियसली अपनी फीस वगैरह डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो जब आप अपनी कॉलेज में फीस डिपॉजिट करते हो ना, तो उसमें एक पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट होता है, जो हेल्थ इंश्योरेंस का होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली लाइक 99% चांसेस यही है कि आपकी फीस के अंदर आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस होगी उसका प्रीमियम इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप कनाडा आओगे ना, तो आपको अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपार्टमेंट में जाना है कॉलेज के, और वहाँ पे बात करनी है, उनसे पूछना है कि क्या आपकी फीस के अंदर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूडेड है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उनको बोलो कि भी एक्टिवेट कर दो, अगर एक्टिवेटेड है तो और भी बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो उसको एक्टिवेट करा लो, ठीक है। और साथ के साथ सारी की सारी डिटेल्स ले लो कि भी क्या क्या कवर्ड है, कितना कवर्ड है, अगर रीएम्बर्स कराना पड़ता है तो उसका क्या प्रोसेस है, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, सारी डिटेल्स, पॉलिसी नंबर, वो सारी डिटेल्स ले लो, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है, भगवान ना करे आपको जरूरत पड़े, लेकिन इन केस जरूरत पड़ती है तो आपके पास सारी चीज़ें हैंडी होनी चाहिए। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, मतलब आपकी फीस में वो इंश्योरेंस इंक्लूडेड नहीं है, तो आप एक प्राइवेट इंश्योरेंस डेफिनेटली ले सकते हो, लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है। और साथ के साथ अगर डेंटल की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगा है, जैसे कि इंडिया में जो रूट कनाल होता है वो लाइक 2,000, 2,500, 3,000 या फिर एक बहुत ही महंगा डॉक्टर होगा तो 5,000 में हो जाएगा, यहाँ पे वो $2,000 में होता है, $1,500 में होता है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा हुआ था तो लगे थे, लेकिन मेरी इंश्योरेंस थी तो मेरे को लाइक $90 या $80 ही देने पड़े थे। जैसे कि हम जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं तो उनकी भी फीस लाइक $100, $60, $80 ऐसे होती है, तो अगर आपको 4 बार जाना पड़ता है तो $400 लग जाएंगे, तो वो भी महंगा पड़ेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है एज अ टेम्परेरी रेजिडेंट, मतलब जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो गए, वर्क परमिट पे जब आप आ जाते हो तब हेल्थ कार्ड मिल जाता है क्योंकि आप फुल टाइम जॉब करते हो, लेकिन एज अ स्टूडेंट तो यार हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। बाकी PR वालों का क्या हिसाब किताब है और वर्क परमिट वालों का क्या हिसाब किताब है, वो आगे जाके बात करते हैं। अब यार, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर एज अ परमानेंट रेजिडेंट या फिर वर्क परमिट पे भी कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो, मतलब यहाँ आने वाले हो, तो आप कनाडा आने से पहले ही एक कनेडियन सिम ऑर्डर कर सकते हो, मतलब एक कनेडियन नंबर ले सकते हो कनाडा आने से पहले। तो बेसिकली यार, जो सिम कार्ड होगा ना, वो आपको इंडिया में आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा बिना किसी डिलीवरी चार्जेस के। और साथ के साथ जब हम यहाँ कनाडा आके कोई सिम कार्ड वगैरह लेते हैं या फिर कोई नंबर लेते हैं ना, तो आपको कुछ एक्टिवेशन चार्जेस देने होते हैं, जैसे कि $50 हो गए या फिर $40 हो गए, तो वो भी आपको देने की जरूरत नहीं है, मतलब जीरो एक्टिवेशन जिसमें आपको एक कनेडियन नंबर मिल जाए। तो बेसिकली होता क्या है कि यार, जब हम नए कनाडा आते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, तो सबको होता है कि अपनी फैमिली को कॉल करें, अपने पेरेंट्स को कॉल करें और उनको बता दे कि हाँ भी मैं सेफ एंड साउंड कनाडा पहुंच गया हूं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक कनेडियन नंबर होगा तो आराम से आप उनको कॉल करके बता पाओगे कि हाँ भाई, मैं तंदुरुस्त कनाडा पहुंच गया। दूसरी बहुत बढ़िया चीज़ यह है कि इसमें आपको अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग और मैसेजिंग मिलती है, और साथ के साथ आपको 10 GB ऑफ डेटा ही मिलता है। तो अगर आपको इंटरनेट वगैरह यूज़ करना है या फिर मैप्स वगैरह यूज़ करने हैं, तो वो भी आप यूज़
कर सकते हो। तो अगर आप कैनेडियन नंबर ऑर्डर करना चाहते हो, कैनेडियन सिम ऑर्डर करना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और ऑर्डर कर सकते हो। हाँ जी, तो यार स्टूडेंट टाइम की तो हमने बात कर ली कि जो आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना वो आपकी कॉलेज की फीस में इंक्लूडेड होगी, तो उसकी तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर नहीं है तो आप एक प्राइवेट इंश्योरेंस ले सकते हो। अब बात करते हैं कि जैसे ही आपका स्टूडेंट टाइम खत्म हो जाएगा और आप अपने वर्क परमिट पे आ जाओगे, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे आ जाओगे, तो तब क्या हिसाब किताब होता है, ठीक है? तो क्या होता है, आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक आपको मिलता है प्रोविंशियल हेल्थ कार्ड। तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक प्रोविंस का, मतलब ओंटारियो हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, सस्कैचवान हो गया, मैनिटोबा हो गया, नोवा स्कॉशिया हो गया, हर एक प्रोविंस का अपना एक हेल्थ कार्ड होता है। फॉर एग्जांपल ओंटारियो का जो हेल्थ कार्ड होता है, ग्रीन से कलर का आपको कार्ड मिलता है, तो वो लेके अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो सारा का सारा जो आपका इलाज होगा वो बिल्कुल फ्री में होगा। जो डॉक्टर की फीस होगी वो आपको बिल्कुल भी नहीं देनी होगी, जो दवाइयाँ वगैरह होंगी आई थिंक वो भी आपको नहीं देनी होती, ठीक है? और दूसरा जो ऑप्शन होता है वो आपका एम्प्लॉयर के थ्रू इंश्योरेंस होता है। अगर आप फुल टाइम काम करोगे किसी एम्प्लॉयर के पास, तो वो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। आपकी सैलरी में से कुछ छोटा मोटा अमाउंट कटेगा, $20 या $25, या फिर काफ़ी सारे एम्प्लॉयर जो होते हैं वो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो फ्री वाले होते हैं उसमें कवरेज थोड़ा कम होता है, जो जिसमें आपका प्रीमियम कटता है उसका कवरेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो हिसाब किताब होता है। तो मैंने अपने एम्प्लॉयर से फ्री वाला नहीं लिया, मैंने वो प्रीमियम वाला लिया है जिसमें मेरी वाइफ भी इंक्लूडेड है, जैस्मिन जी भी उसमें इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं कि भाई प्रोसेस क्या है, कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कहाँ पर जाना है, ठीक है? तो मान लो कि आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपको फीवर हो गया, या फिर खांसी हो गया, सोर थ्रोट हो गया, या फिर सर्दी लगी है, बीपी हाई या लो है, मतलब इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं भागना कि आप इमरजेंसी में चले जाओ, आपने एम्बुलेंस मंगा ली और आप इमरजेंसी में जा रहे हो हॉस्पिटल, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल्स के अंदर क्या हिसाब किताब है, तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इनकी शॉर्टेज है, तो हॉस्पिटल्स के अंदर उनको प्रायोरिटी दी जाती है जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से लाइफ थ्रेट में आ सकती है। तो अगर दो लोग बैठे हैं जिसकी उंगली, जिसके हाथ में कील घुस गई है, या फिर एक दूसरा बंदा है जिसको ऐसी प्रॉब्लम है, अगर उसको देखा नहीं गया तो वो मर भी सकता है, तो प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जो मर भी सकता है, ठीक है? अगर आपके हाथ में कील घुस गई है आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, हो सकता है आपको 6 घंटे वेट करना पड़े या फिर 8 घंटे वेट करना पड़े। आपको एक पेन किलर दे देंगे लेकिन आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, ये एक डाउनसाइड है, लेकिन जो है सो है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में मैंने देखा था थंडर बे में। तो हॉस्पिटल नहीं जाना तो कहाँ जाएं? दो ऑप्शन है, एक होता है फैमिली डॉक्टर और एक होते हैं वॉक इन क्लिनिक। तो सबसे पहले बात करते हैं फैमिली डॉक्टर्स के बारे में। तो बेसिकली जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं ना वो जनरल फिजिशियंस ही होते हैं। तो जैसे ही आपको हेल्थ कार्ड मिलता है ना, फुल टाइम जॉब मिलने के बाद हेल्थ कार्ड मिलेगा, तो आपको क्या करना है, अपने आपको एक फैमिली डॉक्टर के साथ रजिस्टर करवा लेना है। तो बेसिकली जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना है, ताकि उसके पास सारा का सारा रिकॉर्ड बनता रहे, सारी की सारी हिस्ट्री उसके पास बनती रहे, आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चे हो गए, या फिर जो भी आपकी फैमिली में है, सारे के सारे आपके फैमिली डॉक्टर के साथ रजिस्टर्ड होंगे और सारे के सारे वहीं जाएंगे हर बार। और अगर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है, ठीक है, जैसे कि आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ जाता है या कुछ भी होता है, तो वो आपका फैमिली डॉक्टर आपको उसके पास रेफर करेगा कि हाँ भाई आप इस कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है? दूसरा होता है वॉक इन क्लिनिक्स, ठीक है? अब क्या होता है, हर एक सिटी के अंदर काफी सारे वॉक इन क्लिनिक्स होते हैं जो प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं। अगर आपका फैमिली डॉक्टर नहीं है या फिर आपने आपको अपने रजिस्टर नहीं करा रखा किसी फैमिली डॉक्टर के पास, फॉर एग्जाम्पल मैंने नहीं कराया हुआ अभी तक क्योंकि मैंने सिटी चेंज की है, तो प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं जल्दी करा लूँगा, तो क्या कर सकते हो, वॉक इन क्लिनिक जा सकते हो। अब यार वॉक इन क्लिनिक का तो नाम से ही पता लगता है कि आपको सिंपली वॉक इन करना है, रिसेप्शन पे जाके बात करनी है कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो आपको वेट करने के लिए बोलेंगे, जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको डॉक्टर देखेगा और आपको सोल्यूशन वगैरह या दवाई वगैरह या जो भी चीज़ है वो आपको बता देगा। तो मेरे को जो प्रॉब्लम हुई थी, जब मतलब मेरे को फ्लू हुआ था, तो मैं वॉक इन क्लिनिक गया, उन्होंने मेरे को दवाई दे दी। फिर वॉक इन क्लिनिक वाले क्या करते हैं, अगर कोई बहुत ही छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आपको वहीं पर आपको दवाई दे देंगे, अपने खुद से ही दे देंगे, या फिर आपको वो प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे, फिर आप किसी फार्मेसी पे जाके अपनी दवाई ले सकते हो। वो सारा का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है, वो चेक करेंगे और आपको दवाई वगैरह दे देंगे। अगर आपका एम्प्लॉयर के साथ आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो लाइक 90% ऑलमोस्ट कवर्ड होना चाहिए, 80%, जो भी अलग अलग एम्प्लॉयर का अलग अलग हिसाब है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो आपके सारा का सारा फ्री ही होगा। और हाँ यार, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट वाली हेल्थ इंश्योरेंस होती है, मतलब जो आपको प्रोविंशियल हेल्थ कार्ड मिलता है, उसमें डेंटल हो गया या फिर विजन हो गया, मतलब स्पेक्टिकल्स वगैरह जो लगते हैं, या फिर एक्यूपंचर हो गया, कायरोप्रैक्टर हो गया, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड नहीं होती हैं। पता चले आप हेल्थ कार्ड लेके प्लास्टिक सर्जन के पास पहुँच जाओ कि मेरा नाक ठीक कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होती हैं। ज़्यादातर लोग, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, अपने जो एम्प्लॉयर के थ्रू उनको इंश्योरेंस मिली होती है ना, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें कराते हैं, जैसे कि डेंटल हो गया, विजन हो गया। फॉर एग्जांपल मेरी जो जॉ स्वेल हो गई थी वो विजडम टूथ की वजह से हुई थी, या फिर उससे पहले मैंने रूट कैनाल करवाई थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने अपने एम्प्लॉयर की इंश्योरेंस से ही करवाई थी, 90% की कवरेज थी। और सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि मेरा सारा हिसाब किताब कैशलेस हो गया था, मतलब मेरे को रीएम्बर्स नहीं कराना पड़ा। मैं जैसे ही गया रिसेप्शन पे, उन्होंने मेरी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की डिटेल्स मांगी, आईडी, प्लान नंबर, ये सारी चीज़ें मांगी, मैंने वो दी, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट
ऐड कर लिया और जो भी बिल आया था रूट कैनाल का बिल आया था अप्रॉक्सीमेटली $1500 मेरे को $110 देने पड़े थे। और फिर मैंने थोड़ी क्लीनिंग वगैरह कराई थी, आगे भी चेकअप वगैरह कराया था उसका, लाइक हर बार $100 $200 इस तरीके से बिल था, तो मेरे को $20 देने हैं $10 देने हैं इस तरीके से हिसाब था। तो उन्होंने डायरेक्टली इंश्योरेंस को कॉन्टैक्ट कर लिया था। भाई साहब मेरे घर के सामने जो प्लाजा है ना उसके अंदर ये जिम है जिसको मोवाती एथलेटिक्स या जो भी प्रोनाउंस करते हैं वो है, और ये बहुत ही महंगा जिम है, इसकी जो मेंबरशिप है काफ़ी महंगी है, पता नहीं कितनी है, लाइक $60 $80। अगर कोई जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई इसकी मेंबरशिप कितनी है, लेकिन व्यू बहुत सुंदर आ रहा है। और उसी जिम के साथ यहाँ पे लैंडमार्क सिनेमाज़ हैं जहाँ पे मूवी वगैरह देख सकते हैं, और यहाँ पे ट्यूसडेज़ को 50% डिस्काउंट मिलता है सबको, मतलब $16 वाली टिकट $8 में मिलती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हिंदी या पंजाबी पिक्चरें नहीं लगती, मतलब मेरे को दृश्यम 2 देखनी थी यहाँ लगी नहीं, और यहाँ पे मेरे को जाना है मेडिकल सेंटर 2 जहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट है। मैं जा रहा हूँ फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अपना सेशन अटेंड करने के लिए, और अंदर जाके वीडियो वगैरह बनाना अच्छा नहीं लगता तो सेशन अटेंड करते हैं, बाहर आते हैं फिर बातें करते हैं। हाँ जी, तो यार फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अपना सेशन हो गया है, डॉक्टर का ये कहना है कि आप रिकवरी बढ़िया कर रहे हो, बस एक्सरसाइज करते रहो, जो उसने 5-6 एक्सरसाइज मेरे को बता रखी हैं, और ज़्यादा अपनी लेग के ऊपर एक्सर्शन नहीं डालना है, तो मिड ऑफ जनवरी तक सब बढ़िया हो जाएगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब बाहर निकलते हैं और अपना दूसरा काम करते हैं। जो मैं अपना अभी फिजियोथेरेपिस्ट के पास सेशन करवा के आया हूँ, मतलब चेकअप वगैरह करवा के आया हूँ, वो कैशलेस नहीं है क्योंकि वो छोटा सा एक क्लिनिक है, उनका इंश्योरेंस वालों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो मेरे को सारा का सारा अमाउंट अपफ्रंट ही पे करना पड़ा। तो क्या होता है कि जैसे ही मेरे 2-3 सेशन हो जाते हैं तो मैं सारे बिल्स वगैरह इकट्ठे करके, मतलब मेरे को बिल देता है तो मैं बिल इकट्ठे करके अपनी इंश्योरेंस कंपनी को भेज देता हूँ, जो इंप्लॉयर वाली इंश्योरेंस है, तो मेरे को 90% अमाउंट वापस कर देते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, एक्यूपंचर हो गया, या फिर कायरोप्रैक्टर हो गया, या फिर डेंटल हो गया, इसका मेरा 90% का कवरेज रहता है, तो मेरे को 90% वापस कर देते हैं। कहीं पर आपका कैशलेस हो जाएगा, उनका इंश्योरेंस के साथ कॉन्टैक्ट होगा, कहीं पे आपको अपफ्रंट पे करना पड़ेगा, फिर आप बाद में उसको रीएम्बर्स करवा सकते हो, ठीक है। तो ये हिसाब किताब होता है। बाकी आप अपना एक बहुत ही जरूरी काम करते हैं, क्योंकि अगर मैंने वो नहीं किया तो जैस्मिन जी से मेरे को बहुत डांट पड़ेगा। हाँ जी, अगर मैं आ गया हूँ वॉलमार्ट, तो बेसिकली आज मेरे ऑफिस की छुट्टी थी लेकिन जैस्मिन जी को जॉब पे जाना था, और जॉब पे जाने से पहले जैस्मिन जी मेरे को ऑर्डर देके गई थी कि कोई सब्जी बना के रखना, जब मैं आऊँ तो एक सब्जी बनी होनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि उनको एक बढ़िया सा तवा चिकन बना के सरप्राइज़ करते हैं, लेकिन चिकन घर पे है नहीं तो मैं वॉलमार्ट आया हूँ चिकन खरीदने के लिए। तो भाई ये रहा पूरा का पूरा मीट का सेक्शन वॉलमार्ट के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह अभी आपको दिखाता हूँ, ये है पोल्ट्री मतलब चिकन वगैरह, ये पोर्क मिलता है, यहाँ पे बीफ भी मिलता है, तो सारा का सारा सौदा यहाँ पे मिलता है। और ये सामने जो देख सकते हो आप, ये सारी की सारी जो है चिकन ब्रेस्ट हैं, और इन सब का जो प्राइस है वो सेम है, 12.48, 12.48, 12.48, लेकिन इनका जो वेट है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है, जैसे कि ये जो है इसका वेट है 0.894, इसका वेट है 0.904 और 0.900 kg, 0.832। और हम देसी वाला काम करेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा वेट होगा हम वही उठाएंगे। तो मैंने ये वाला चिकन लिया है, तो बेसिकली काफ़ी सारे थे, मैंने देसी वाला काम किया, काफ़ी सारे थे जो 0.900 kg के थे, कोई था 0.892 kg का, ये है 1.018 kg का, सबसे हैवी सबसे ज़्यादा। तो ये लेते हैं, निकलते हैं और घर पे जाके अपना तवा चिकन बनाते हैं। यार मैं साइड से निकल रहा था तो इनको देख के ज़रा मूड सा बन गया, तो ये 6 समोसे मिलते हैं $5 के, तो ये भी ले लेते हैं, घर पे जाएंगे चाय के साथ, चटनी के साथ खाएंगे मज़े लेके। जी, तो यार चिकन वगैरह खरीद लिया, समोसे भी खरीद लिए हैं, चाय के साथ पियेंगे मज़ेदार, और घर जाके तवा चिकन बनाते हैं बढ़िया साथ स्वाद साथ, जैस्मिन जी को सरप्राइज़ करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज़ stay healthy and keep hustling. रात हो गई है।